सत्य के साथ। प्रश्न गलत है, चेहरे पे मुस्कुराहट पे मत जाइए। मैं द्वंद्व युद्ध करने नहीं गया, सबसे पहला प्रश्न मैंने उठाया कुछ लोगों को चश्मा बदलने की आवश्यकता है। क्यों नहीं देते इस पे जवाब? 600-700 बच्चों की नौकरियां लग जाए या नहीं लगे, ये हमारा उद्देश्य नहीं। फ्रेंडली मैच करण मेरा नहीं खेल रहा है। पहले तो प्रश्न गलत है, मैं मुख्यमंत्री से मिलने जाता हूँ, वह अपनी पार्टी के नेता हैं और प्रदेश के मुखिया हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं द्वंद्व युद्ध करने नहीं गया था कि मेरे चेहरे पर आक्रामकता दिखे। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जब किसी से मिलते हैं, किसी के ऑफिस में जाते हैं, कोई लड़ने थोड़ा जाते हैं, अपनी बात रखने गए, अपने सुझाव रखने गए। और हमने जो मेरे पत्र उनको पढ़े ना, उसमें कड़ाई होनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट पर मत जाइए। और मेरी पूरी बात सुन लीजिए, किस विषय में लड़ते हुए करण मेहरा नहीं दिखा? क्या विधानसभा के नियुक्तियों पे करण मेहरा नहीं लड़ा? सबसे पहला प्रश्न मैंने उठाया राज्यपाल के यहाँ से निकलते ही। SSSC पे क्या मैं नहीं लड़ा? 2016 से लड़ रहा हूँ। और कहाँ पर आपको हमारी आक्रामकता में कमी दिखाई थी भाई? अब मिलने में अगर आप ये कहेंगे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, तो कोई ये लड़ाई नहीं है, भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं है, ये सिस्टम है। और सिस्टम में औपचारिकताएँ भी होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं, और मुलाकातों में हंसी मजाक भी होती है। लेकिन हमारे कर्तव्यों में कहीं अगर कोई कमी दिखाई दे रही, तो उस पर कहीं पर आपको बात करनी चाहिए। मेरे को लगता है कुछ लोगों को चश्मा बदलने की आवश्यकता है। विधानसभा में विषय किसने उठाया? कांग्रेस ने। सचिवालय का घेराव किसने किया? कांग्रेस। उस समय ये नौजवान कहां थे? जिस समय मैं सचिवालय का घेराव करा था, केवल कांग्रेस के पदाधिकारी और कुछ यूथ कांग्रेस के और NHUI के लड़के थे, उस समय कोई नहीं आया। जिस समय मैं आर्बिट्रेशन के मामले उठ रहा, उस समय कोई नहीं आया। जिस समय मैंने 15-16 की भर्तियों का मामला विधानसभा में उठाया, प्रकाश पंत जी ने साफ साफ कहा विधानसभा में कि गिपला हुआ है, टेम्परिंग इन कॉपीज भी है, उस समय ये नौजवान कहां थे? और आज भी इनकी भीड़ में आधे से ज्यादा संख्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है। भुवन कापड़ी खुद उपस्थित रहे, मैं कन्याकुमारी में था, लेकिन भुवन कापड़ी उस आंदोलन में सक्रिय रहे। तो इस तरीके के झूठे आरोप नहीं लगने चाहिए, और मीडिया लोगों को भी थोड़ा सा संयम बरतने की मेरे को लगता है जरूरत है। हर चीज को गलत नजरिए से पेश करने से बचना चाहिए। खाए तो देना, क्यों कह रहे हैं कि विधानसभा में कानूनी कार्रवाई ठीक से हुई या नहीं हुई? हम कह रहे हैं विशेषाधिकार का हनन का जो है दुरुपयोग हुआ है, नीति का मामला है, कानून का मामला नहीं है, एथिक्स का मामला है। क्यों नहीं देते इस पर जवाब? आप लोगों के साथ भी दिक्कत है, आप प्रश्न विपक्ष से करते हो, पक्ष से नहीं करते हो। फ्रेंडली मैच तो मीडिया खेल रही है, फ्रेंडली मैच करण मेहरा नहीं खेल रहा है। करण मेहरा जैसा आक्रामक था और जिस चीज में मेरे को सही समय लगता है, उचित लगता है, मैं उसमें लड़ता हूँ। और मेरा कहीं किसी से कोई हैंडशेक ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, हम पुराने साथी हैं, साथ में विधायक रहे हैं, तो जब मिलेंगे तो प्रेम से ही मिलेंगे, क्योंकि मेरा उनका घर का झगड़ा नहीं है। मैं मीडिया को लेकर नहीं, मैं पूरे मीडिया की बात नहीं कर रहा। जो मेरे फ्रेंडली मैच जिनको दिखाई दे रहे हैं, जिनको मेरा ऑफिसों में जाके मिलना भी फ्रेंडली लग रहा है, मेरे को लगता है मीडिया ये चाहते, अगर हम बैठे हैं ऑफिस में तो कहें साहब करण मेरा काम नहीं कर रहा। अगर मैं मुख्यमंत्री को ले जाके सलाह दूं और उनको कुछ अपने प्रपत्र शामिल करूं कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो मीडिया को मैं फ्रेंडली दिखता हूं, तो करूं क्या? इस समय मीडिया को अपनी भूमिका राष्ट्रहित में और समाज के हित में दिखाई देनी चाहिए, और मीडिया को जो सही चीजें उनको जनता के बीच में परोसना चाहिए। कांग्रेस में लगातार करंट है, कौन कार्यकर्ता ऐसा है जो सड़कों में नहीं दिख रहा? कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसमें कार्यकर्ता सड़कों में नहीं दिख रहे? ईडी का घेराव हो, CBI का घेराव हो, भर्ती घोटाले में सचिवालय का घेराव हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव हो, चाहे महिलाओं से घास काटने में मुख्यमंत्री के घर तक हमारी महिला कांग्रेस घुस गई उसका मामला हो, चाहे विधानसभा में घेराव करने का कार्यक्रम हो। तो आप क्या चाह रहे हैं कि किसी के घर में जाके बैठ जाए? भाई राजनीति ऐसी ही चलती है, आप क्या चाहते हैं बताइए ना, कैसा वाला युद्ध चाह रहे? आप तो चाह रहे गदा और मुद्गर लेके चले जाएं। भाई हम कल गए, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कह दी मेरे भाई कि आप लोग वहाँ हंस रहे थे। भाई जब मुलाकात होगी तो मुस्कराएंगे भी, बात भी करेंगे, और जरूरी थोड़ा कि जिसमें गंभीरता से जिसमें हम पत्रों पर चर्चा कर रहे थे उस समय हम गंभीर मुद्रा में थे, लेकिन जिसमें चाय पी रहे हैं तो उस समय कोई मेरा और कोई मुख्यमंत्री का कोई घर का झगड़ा नहीं है, जमीन जायदाद के झगड़े नहीं है। भाई हमारे प्रदेश की समस्याओं को लेकर झगड़े हैं, हमारे युवाओं की नौकरियों को लेकर झगड़े हैं, हमको स्टेट की विकास को लेकर हमारे कुछ मतभेद हैं, हमारे
भूमि से संबंधित जो अभी नया कानून आ रहा है उसको लेकर कुछ हमारे आपस में रिफ्ट्स हैं, तो उनको हम अपना सुझाव दे सकते हैं। और लगातार हम पे आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस जो है आक्रामक होकर बात करती है, कांग्रेस सुझाव तो देती नहीं केवल क्रिटिसाइज करती, तो इसलिए हमने कल पहल की, मैंने आप ही के सामने ये कहा था कि हम आज सुझाव देने आए हैं और सरकार के रिएक्शन का इस्तेमाल इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन उनका रिएक्शन आएगा, सही आएगा, तो हम कहेंगे अच्छा काम हो गया, इसमें ये भी सुधार होने चाहिए, और अगर रिएक्शन ठीक नहीं आएगा तो फिर हम विरोध के रास्ते में चलेंगे। निश्चित ही साथ में है भाई, क्वेश्चन उठाने वाले हम ही हैं और लड़ने वाले भी हम ही हैं। मैं कह तो रहा हूँ, जिस दिन मैं सचिवालय का घेराव कर रहा था उस दिन नौजवानों से अपील भी की थी मैंने कि आप सब लोग निकलिए, केवल कांग्रेस का विषय नहीं है, और सब अपने अपनी रोटी सेकने की कोशिश करेंगे। उस दिन युवाओं का समर्थन नहीं मिला, लेकिन जब चीज़ें खुल के सामने आ गई तो आज युवा सड़कों पर है, नाराजी भी जता रहे हैं, तो ये अच्छा है। बच्चों को अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, उनसे ये कहा गया होगा कि जो ईमानदार है उनको हम नौकरियां देंगे, तो स्वाभाविक है कि छोटे बच्चे हैं अभी उस तरीके परिपक्व नहीं। हमारे विषय केवल नौकरी तक सीमित नहीं है, हमारी बढ़ती हुई महंगाई को लेकर चिंता है, बेरोजगारी को लेकर चिंता, हमारे केवल 600-700 बच्चों की नौकरियां लग जाए या नहीं लगे ये हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है कि पारदर्शिता बने, आगे भी लोगों का विश्वास सरकारी संस्थानों पर बने, क्योंकि सरकार बीजेपी की नहीं रहेगी, सरकार कांग्रेस की नहीं रहेगी, इसमें समय समय पर चेंजेस आते हैं। जनता की सरकार फॉर द पीपल बाय द पीपल है हमारे संविधान में। हम ये चाहते हैं कि सरकारी संस्थानों की इज्जत हो, लोगों की नज़र में आज ऐसा लगता है कोई सरकारी संस्थान है, आदमी पहले सोचता है यहाँ घिपला है, इसमें बेमानी है, तो इस चीज़ की इस छवि से निकालने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की उतनी विपक्ष की भी है। हमको अपनी भूमिका अपने हिसाब से निभाने का काम करना है, और राज्य हित में, समाज के हित में और राष्ट्र के हित में हमको लगातार काम करने की ज़रूरत है। सत्य के साथ।